पिछले कुछ के विनर्स हैं हर्षित वेब गेमिंग, अल्टीमेट ग्रीन निंजा एंड पोकी वेव। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो अगर आप सभी को ऐसे ही शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो में पूछे गए कुछ का आंसर सबसे पहले देना होगा। जो तीन लोग सबसे पहले आंसर देंगे उनको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन रेडिकल रेड रैंडोमाइजर, जहां पे गाइज पिछली बार हमने हरा दिया था जिम लीडर एरिका को एंड जीत लिया था अपना फोर्थ जिम बैच। मैं तुम लोग को दिखाऊंगा यहां पे, ये देखो अपना चौथा जिम बैच। एंड देन गाइज हमने बैटल किया था टीम रॉकेट के हेड के साथ, यानी कि गाइज उनके बॉस विच मीन्स जियोवानी के साथ। तो यार इस वीडियो में हम अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आज हम करने वाले हैं रिवेंज विथ जियोवानी। जी हाँ गाइज, यार उससे हम लेने वाले हैं अपनी पिछली बैटल का बदला, क्योंकि पिछली बैटल में यार उसने बहुत बुरी तरीके से हमें हरा दिया था। मतलब उसका एक पोकेमॉन हमारे छह पोकेमॉन भारी पड़ गया था। बट गाइज इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस बार हमारा ग्रीनिंजा ही उसको सबक सिखाने वाला है। जी हाँ गाइज, मैंने आगे रख लिया अपने ग्रीनिंजा को एंड इस बार इसकी बैंड बजने वाली है जियोवानी के, मतलब कि जियोवानी की बैंड बजने वाली है। एंड यहाँ पे मैंने सारे पोकेमॉन गाइज ट्रेनिंग करा दी है, सेप्टाइल की नहीं करा पाया यार उतनी, बट बाकी सारे पोकेमॉन को लेवल 50 कर दिया है। लेट्स गो बैटल करते हैं जियोवानी के साथ, उसे याद दिलाते हैं कि हमसे बैटल करने का अंजाम क्या होता है। लेट्स गो एक्स्ट्रा सेंसरी। ओके फ्लिंच्ड हो गया भाई, ओपी इन द चैट भाई, ग्रिंजा ओपी इन द चैट। ओके भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वाटर पल्स, क्लोज कॉम्बैट, फेंट। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फरनेव का जुगाड़ मेरे पास है। बट यार मजा आ गया, ग्रिंजा ने अपना सारा काम कर दिया है। इन्फरनेव का जुगाड़ जानते कौन लेकर आता है, सेलेमेंस। सेलेमेंस का एक अटैक लग जाएगा और उसकी आधी एचपी चली जाएगी। लेट्स गो गाइज, इन्फरनेव हार चुका है, वो जीत ही नहीं सकता। देखा इन सेलेमेंस का कमाल, ग्रिंजा सेलेमेंस ओपी। लेट्स गो, यहाँ पे हम करेंगे ड्रैगन क्लॉ एंड वो करेगा ड्रिल पैक, जिससे कि हम फेंट हो जाएंगे। अब देखो हॉन्सक्रो के खिलाफ मेरा 4000 ठीक ठाक है, मतलब उसका फ्लेम थोड़ा ठीक ठाक है भाई। लेट्स गो एंड फेंट, हॉन्सक्रो फेंट। तो गाइस इसका बस अब दो पोकेमॉन और बचा है, एक है इसका कंगस, कंगस कंगस खान, जो कि करेगा मेगा इवॉल्व आई नो एंड फेक आउट से वो हमें खत्म करने वाला है। बट कंगस खान का भी जुगाड़ अपने पास है, इन्फरनेव का क्लोज कॉम्बैट अटैक गाइस, जिससे कि हम लोग जीत सकते हैं अगर क्रिटिकल हिट लग गया। ओके थोड़ा सा बचा है, मैक पंच से खत्म कर देगा। तो भाई इन्फरनेव ओपी इन द चैट एंड यहाँ पे हम दोबारा से ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लड़ाई होने वाली है, मतलब कि ओके ब्लेज के कैसा अटैक रहेगा वैसे ठीक। ओ भाई साहब ठीक अटैक है भाई, हम हरा सकते हैं जियोवानी को भाई, हरा कह सकते हैं, हम जीत गए गाइस। गाइस बदला ले लिया भाई, हमने बदला बुरी तरीके से जियोवानी को हरा के एक ब्लेज किक से ख़त्म कर दिया। लेट्स गो, सारे पोकेमॉन भाई ओपी हैं यार। जियोवानी मैंने पिछली बार कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, बट इस बार अपनी स्ट्रैटेजी वर्क कर चुकी है एंड हमने हरा दिया है इनके बॉस जियोवानी को। वॉट दिस कांट बी भाई, हो चुका है, तुम हार चुके हो, तुम लूजर हो, तुम सब हो। पिछली बार का बदला गाइस हमने ले लिया है, बदला रिवेंज 2 मूवी बनेगी। कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ। आई सी दैट यू रेस पोकेमॉन विथ अटमोस्ट केयर, अ चाइल्ड लाइक यू वुड नेवर अंडरस्टैंड वॉट आई होप टू अचीव, आई शैल स्टेप असाइड दिस टाइम, आई होप वी मीट अगेन। मैं नहीं चाहता भाई तुम मुझसे दोबारा मिलो। फिलहाल को ये पोकेबॉल छोड़ के गया, देखते हैं इसमें क्या है। ओके इसमें स्लिप स्कोप, ये क्या होता है, अ स्कोप दैट मेक्स अनसीबल पोकेमॉन विजिबल, इट इज़ मेड बाय। ओके ओके चलो ठीक है, जिस पोकेमॉन को तुम देख नहीं सकते ना वो ये दिखा सकता है। लेट्स गो, फिलहाल देखो मुझे और कोई, देखो सबसे पहले तो खुशी हो रही है कि हमने जियोवानी को हरा दिया, बदला रिवेंज 2 कर लिया उसके साथ। एंड तो अपना पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है, आज हम जाने वाले हैं नेक्स्ट सिटी एंड तुम लोग जान रहे होगे वो कौन सी सिटी होने वाली है। फिलहाल गाइस थोड़े से अपने ज़रा पोकेमॉन में वापस ले आता हूँ, लेकिन उससे पहले यार मुझे जानते हो एक पोकेमॉन की रिप्लेसमेंट चाहिए, यानी कि थंडर की भाई। थंडर की जगह यार मैं मेटाक्रॉस की ट्राई कर रहा हूँ, अब मुझे मेटाक्रॉस पता नहीं कहाँ मिलेगा। ओके कॉर्वक नाइट, बकवास पोकेमॉन है ना, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे भाई ये मिलेगा भाई ओपी। चलो एक काम करते हैं, जो जियोवानी ने दिया है उसका यूज़ करते हैं। ओके इसका यूज़ नहीं कर सकते, वाह तो किस काम का है भाई तब ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, जब हमें मिलेगा अपना मेटाक्रॉस तब मैं थंडर को हटा दूंगा, क्योंकि मेटाक्रॉस यार बहुत बढ़िया पोकेमॉन है गाइस। तो चलो यार मैं अपनी पुरानी टीम वापस ले आता हूँ। तो ओके गाइस यार मैंने अपनी पुरानी टीम वापस ले आई है, यानी कि सेलेमेंस, ग्रीनिंजा, चारिज़ार्ड, यही सब है अपनी प्यारी प्यारी टीम। ओके
तो गाइस अब चलते हैं फटाफट आगे। एंड मेटाक्रॉस की जहाँ तक बात रही तो यार रैंडमाइज गेम है ये, तो कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन देखते हैं कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे थंडर की रिस्प्लेसमेंट चाहिए यार। थंडर को मुझे अपनी टीम में नहीं रखना, अगर वो इलेक्ट्रावायर में इवॉल्व हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें शायद इलेक्ट्रम जी चाहिए, देखते हैं वो कहाँ मिलेगा। फिलहाल गाइस आज हम जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट सिटी में एंड करने वाले हैं कोई भी चीज़ नहीं, फटाफट करेंगे हम लोग जिम बैटल। हाँ, जो सिटी है उसको हम लोग बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम करेंगे सबसे पहले जिम बैटल। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर ही कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत। ओके, जा सकते हैं क्या? रूट नंबर 6 पे आ गए। ये सब चीज़ यार हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज हम करने वाले अपना जिम बैटल, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है। ओके, डोंट गेट और यू हैव हर्ट यू। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या हम ऐसी कहीं भी जा सकते हैं क्या भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो ओके गाइस, यार बेसिकली ये बंदा हमें जिम में नहीं जाने दे रहा है, आई गेस हमारा और भी बहुत ज़्यादा काम होगा, तो हम वापस चलते हैं जहाँ से हम आए थे, यानी कि हाँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम जाने वाले हैं आगे, क्योंकि आगे एक टी मतलब कि एचएम कट का जहाँ पे यूज़ नहीं था ये, हाँ तो उससे पहले इसको काटते हैं। यहाँ पे जैगेंटा मैक्स डेन है, इसको बाद में चेकआउट करूँगा, मुझे कोई बैटल करने का शौक नहीं है। ओके चलो ठीक है, हमने स्किप कर दिया, लेट्स गो। एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं, आई गेस यहाँ पे एक मतलब रहता है, पहले सबसे पहले टीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ड्यूअल विंग बैट। ओके चलो ठीक है, या आई गेस यही हमें फ्लाई एचएम देता है, देती है भाई सॉरी। इन द पास्ट द एचएम फ्लाई वाज यूज्ड टू ट्रैवर्स टू नोन लोकेशंस, बट दिस वाज मेड ऑब्जर्व विद द पोकी राइडर। ओके, तो ये बोल रही है कि पहले जो एचएम फ्लाई था वो यूज़ किया जाता था उड़ने के लिए, लेकिन अब पोकी राइडर आ चुका है इसलिए अब इसका कोई यूज़ ही नहीं रहा, लेकिन चलो तब तुम ले लो। तो इसने हमें HM02 फ्लाई ले लिया है, चलो ठीक है। एंड ये हमें लैवेंडर टाउन जाने को शायद बोल रही है, तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाफट लैवेंडर टाउन। एंड मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ भाई, इस बैटल को फालतू, एंड बाद में मैं जैगेंटा मैक्स डेन को चेकआउट कर लूँगा। एंड लेट्स गो विथ पोकी राइडर, यार जब अपने पास पोकी राइडर है तो क्या फ़र्क पड़ता है। सैफ्रॉन सिटी, लैवेंडर कहाँ पर है भाई? लैवेंडर लैवेंडर भाई, यार इसे मेरा चले ही चला जाता भाई, क्या इतने देर में मैं पहुंच जाता है लैवेंडर टाउन, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ परिश्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एंड परिश्रम से ज़्यादा यार मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए शायद वीडियो थोड़ी कम आए, तो सॉरी बट यार मैं क्या करूँ, लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे ना फिर मचा दूंगा यार मैं, मतलब वीडियोज़ की बारिश कर दूंगा। ठीक है, अभी मतलब चल ही रहे हैं इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी इतने दिन से, वरना मैं रेगुलर अपलोड कर रहा था, बट जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे आ जाएंगी। फिलहाल अभी हम जाने वाले हैं टावर में, पोकेमॉन टावर में, क्योंकि मैं जब आया था लैवेंडर टाउन तो मैंने इसको एक्सप्लोर करना भूल गया था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड तुम लोग को पता ही होगा यार कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फिलहाल आई गेस मुझे बैटल करनी ही पड़ेगी, चलो ओके, नहीं करनी पड़ेगी क्या? बहुत बढ़िया बात है यार, जहाँ बैटल ना हो वहाँ तो ठीक है। ओके, एक पता नहीं क्या कौन सा पोकेमॉन है भाई ये, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो आगे चलते हैं। वहाँ एक मेगा स्टोन है, ले लेंगे, चलो ले ओ भाई चलो गाइस इसे हरा देते हैं, जस्ट 1 2 3। तो ओके गाइस, इधर मैंने इसे हरा दिया। यहाँ पे हमें मिला सेलेबनाइट, जो कि सेलेब मतलब पता नहीं क्या पोकेमॉन, कुछ नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा भाई मुझे, मैं इतना बड़ा भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कॉम्बी आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जितने मेगा स्टोन मतलब इकट्ठा करें उतनी अच्छी बात है, एंड मैं जितने ट्रेनर स्किप करूँ उतनी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ एक पोकेबॉल पड़ा है, इसमें एलेक्जर है, एलेक्जर बहुत ज़्यादा काम में आता। ओके, स्लैकिंग भाई, ये घोस्ट टावर है कि कौन सा टावर है यार, यहाँ स्लैकिंग कैसे आ सकता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो गाइस हराते हैं, जस्ट 1 2 3। तो ओके गाइस, मैंने इसे हरा दिया। एंड यहाँ पे ग्रेट बॉल है, चलो अच्छी बात है, चलो इसके साथ बैटल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको तो यार अपना सेलेमेंस ही हरा दे रहा है, जीन हेडबर्ट से भाई, एक मिनट भाई, बेइज्जती बहुत गजब गली कराता है ये, डिस्चार्ज कर दिया। देखो जो बैटल मैं नहीं दिखाता उसमें सेलेमेंस हरा देता है, जिसमें दिखाता हूँ ना उसमें थोड़ा टाइम ले लेता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे टावर टू टावर चढ़ते जा रहे हैं, बट कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई। यहाँ एक पोके बॉल है गाइस, हम नहीं ले सकते, आई गेस हमें इसे भी लग रहा है हराना पड़ेगा, चलो इसे हरा दें, जस्ट 1 2 3। ओके गाइस, तो हमने इसे भी हरा देना है, पोकी बॉल पड़ा है। एंटर द प्यूरिफाइड एंड प्रोटेक्टिव जोन, एएस पोकेमॉन वर फुल्ली हील्ड। ओके चलो अच्छी बात है यार, अपना पोकेमॉन थोड़ा हील्ड हो चुके हैं एंड मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो ये वाली बैटल दिखाई देते हैं यार क्या जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ड्रैगन क्रॉस से ख़त्म कर दे भाई, अपना एक ही अटैक उसके ऊपर भारी है भाई, लेट्स गो ऊपर चलते हैं। अब कितनी फ्लोर और हैं भाई,
कितना फ्लोर अभी और चलाने वाले हो। यहाँ एक वो है, बॉल है, इसको ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बी यार इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, विलोस ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो यार मैं बैटल दिखाई दे, भाई नहीं इसको नहीं दिखा सकता, कुछ ज़्यादा ही पोकेमोन लेके है। तो ओके गाइस यार मैंने इन सबको हरा दिया, मतलब कि इन सबके पास तीन तीन पोकेमोन थे इसलिए मैंने दिखाया, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। यहाँ एक पोकेबॉल है फटाफट, ओके एक स्नोरलैक्स नहीं चाहिए यार, चलो ठीक है एक पोकेबॉल, ओके रेयर कैंडी भाई पहली बार कोई काम। ये क्या है, बी गॉन इंट्रूडर्स भाई, ये क्या, अच्छा गाइस ये घोस्ट है भाई, ये घोस्ट है 58 लेवल का, कौन सा घोस्ट है भाई ये, नहीं मजाक हो रहा है क्या अपने साथ यहाँ पे। जीन हेडबर्ट शैडो बोन फेंट, चलो इसको तो अब हम फेंट करके जाएंगे, लेट्स गो। एक्स्ट्रा सेंसरी फ्लेयर ब्लिट्स भाई साहब, बढ़िया अटैक है, वैसे मैं उसी की तारीफ क्यों करता हूँ। तो ओके गाइस अपना ग्रीन निंजा यहाँ पे फेंट हो चुका था इसलिए मैंने नहीं दिखाया भाई, क्योंकि कुछ ज़्यादा देख रहे हो इस एक पोकेमॉन ने यार अपने तीन पोकेमॉन को हरा दिया, इसलिए मैंने बैटल नहीं दिखाया। द घोस्ट वॉज द रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ क्यूबॉन्स मदर, द मदर स्पिरिट वॉज क्लेम्ड, इट डिपार्ट टू द आफ्टर लाइफ, एन आइटम रिमेन्स इन फेंट सिक्स, ओके थिंक क्लब। लेकिन यार देखो इसमें क्यूबॉन्ग मदर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो भाई वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या नाम था, फाइटर टाइप पोकेमॉन था आई गेस। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, एक बार अपने पोकेमॉन में हील करा के आता हूँ। तो ओके गाइस यार फटाफट चलते हैं आगे, मैंने अपने पोकेमॉन हील नहीं करा। यहाँ पे टीम रॉकेट के दो ग्रंट्स थे जिसको मैंने हरा दिया, एक लास्ट बचा हुआ है क्योंकि इन्होंने किसी एक आदमी को कैद करके रखा हुआ है, लेट्स गो तब इसे भी हरा देते हैं फटाफट। मेटल क्लॉ अटैक ही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे यार, ओ विश कैश लेजेंडरी पोकेमॉन मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन विश कैश बढ़िया लगा मुझे। तो ओके गाइस यार मैंने इसे भी हरा दिया है, फटाफट चलते हैं आगे, मैंने तीनों ग्रंट को हरा दिया, यू आर नॉट गेटिंग अवे विद दिस, ओके लेट्स गो। अभी इन्हें बचा लेते हैं फटाफट, मिस्टर अच्छा ये मिस्टर फूजी है गाइस, हे यू केम टू सेव मी थैंक यू, बट आई केम हियर ऑफ माय ओन फ्री विल, आई केम टू क्लेम द स्पिरिट ऑफ क्यूबॉन्स मदर, आई थिंक मैरोवैक्स स्पिरिट हैज फाइनली लेफ्ट अस, आई मस्ट थैंक यू फॉर योर काइंड कंसर्न, फॉलो मी टू माई होम पोकेमॉन हाउस एट द फ्रंट ऑफ दिस डोर, ओके। तो मिस्टर फूजी के हाउस पे आ चुके हैं गाइस, फटाफट अब इनसे बात करते हैं, मैं बाहर क्यों आ गया भाई, बात करना है। एस योर पोकेडेक्स क्वेस्ट इज वन दैट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, विदाउट डीप लव फॉर पोकेमॉन योर क्वेस्ट में फेल, हाँ ये बात तो सही है भाई। आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल हेल्प यू बट आई डिड लाइक टू हैव इट, ओके। तो पोकी फ्लूट दे दिया भाई, क्यों नहीं मदद करेगा, तुम लोग को याद होगा पोकी फ्लूट का मतलब काम कहाँ था, जो स्नोरलैक्स नहीं सोया हुआ है आगे उसको जगाने के लिए हमें पोकी फ्लूट चाहिए रहता है, लेट्स गो फटाफट उसे हम जगा देते हैं, क्योंकि भाई वही हमारा रास्ता ब्लॉक करके बैठा हुआ है गाइस, यहीं से शॉर्टकट तरीके से जाएंगे ना। ओके तो यहाँ पे सीपल है भाई, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज तो यार मज़ा आ गया, आज हमने जियोवानी को हरा दिया एंड आज हमें एक पोकी फ्लूट भी मिल गया, इसमें मज़ा कुछ है नहीं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। पोकी फ्लूट से सबसे पहले जाके हम स्नोरलैक्स को उठाएंगे, ओके स्नोरलैक्स बेटा हम आ रहे हैं जल्दी से उठ जाओ। एंड तुम लोग को पता ही होगा ये गेम रैंडमाइज है, तो स्नोरलैक्स का कोई और पोकेमॉन मिलेगा मुझे 101% श्योर है भाई। लेट्स गो बजाते हैं फटाफट पोकी, तो ओके गाइस आई थिंक तुम लोगों ने आवाज़ सुन ली होगी पोकी फ्लूट की, लेट्स गो। तो स्नोरलैक्स वेकअप हो चुका है, देखते हैं कौन सा पोकेमॉन है भाई। मेटापॉड यार, मेटापॉड कौन देता है यार भाग, इसको फेंट कर देते हैं गाइस फटाफट एंड अपना सेलेमेंस हो चुका है लेवल 51 का, लेट्स गो आगे चलते हैं। एंड आई थिंक आई डिड बेटर गेट एरिका एंड सबरीना बैच बिफोर प्रोसीडिंग, तो ये बोल रहा है एरिका का और सबरीना का जिम बैच तुमको जीत ही के यहाँ से पास आउट होना है। एरिका का तो जीत लिया यार, सबरीना जाने नहीं दे रहा है अंदर, वो जो टीम रॉकेट ग्रंट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस है देखो ये जो प्रोफेसर है ये तुम लोग को मेगा स्टोन्स देगा पोकेमॉन का, लेट्स गो देखते हैं देता है कि नहीं। ही आई स्टडी मेगा इवोल्यूशन, इफ यू शो मी अ फुली इवॉल्व स्टार्टर कैपेबल ऑफ मेगा इवोल्यूशन आई विल गिव यू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेगा स्टोन, लेट्स गो मांगते हैं चारिज़ार्ड का, योर चारिज़ार्ड यस दैट कैन मेगा इवॉल्व प्लीज टेक दिस, ओके गाइस फाइनली हमें मिल चुका है चारिज़ार्ड एक्स भाई, थैंक यू। चलो ठीक है एक बार हम लोग सेप्टाइल का भी ट्राई कर लेते हैं, ओके चलो सेप्टाइल का भी मिल गया भाई, गजब भाई बहुत सही ओपी। ग्रेनिंजा का मिल जाएगा क्या, ओके नहीं ग्रेनिंजा का तो बॉन्ड होगा ना, और सेलेमेंस का, सेलेमेंस का भी नहीं,
ओके फाइटर का। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमें सिर्फ दो पोकेमोन का मिल पाया है। एक है अपना प्यारा फाइटर, अरे मैं फाइटर का क्या नाम ले रहा हूँ, चलो ठीक है इनको मैं होल्ड करा देता हूँ एक बार। लेट्स गो, चारिज़ार्ड एक्स गिव टू चारिज़ार्ड, और किसको गिव करूँगा, लेट्स गो। एंड सेप्टाइल को भी उसका मेगा स्टोन दे देते हैं। ओके गाइस तो हमने दे दिया है फाइनली, एंड अब चलते हैं फटाफट आगे एंड बिना टाइम पास किए एक बार अपने पोकेमोन में हील करा लेता हूँ। फिलहाल मैंने हील करा लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, एंड अब आगे चलते हैं गाइस। तो आज की वीडियो में हमने हरा दिया है जियोवानी को, आज की वीडियो में हमें मिला है सेप्टाइल का मेगा स्टोन एंड चारिज़ार्ड का मेगा स्टोन। फिलहाल आगे चलते हैं एंड बैटल करेंगे हम। बैटल क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि ये ग्रंट तो हमें जाने नहीं दे रहा, लेकिन ये तुम लोग को याद होगा क्या है, फाइटिंग डोजो है ये, यानी कि यहाँ पे आई गेस फाइटिंग टाइप जो कॉम्पिटिशन नहीं होता वो होने वाला है। चलो गाइज तब इन सबको फर्स्ट 1 2 3। तो ओके गाइज यार मैंने इन सबको हरा दिया यहाँ पे, एंड आई गेस बस हमें आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहिए। अगली वीडियो में हम फाइट कर लेंगे चक के साथ एंड जिम बैटल भी करने वाले हैं। तो आई होप तुम लोग को आज की वीडियो मज़ा आया हो, मज़ा आया हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।